गाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर चार लोगों को मॉल से गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। दरअसल दंतगंज थाने की पुलिस और स्वैट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री, शराब बनाने का उपकरण के साथ भारी मात्रा में स्पिरिट, शराब की बोतलें, नकली लेबल, रैपर, स्टीकर और कई बंडल QR कोड बरामद किया है। बता दें कि नकली शराब बनाने की ये फैक्ट्री नंदगंज थाना क्षेत्र के मुड़वल गांव में चल रही थी। पकड़े गए आरोपी स्पिरिट, यूरिया और नौसागर मिलाकर जानलेवा शराब बनाते थे और बोतलों में रैपर, स्टिकर, लेवल, QR कोड लगाकर लोकल दुकानों में बेच देते थे। साथ ही पकड़े गए बदमाश अवैध जानलेवा शराब की बिहार में भी तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस शराब फैक्ट्री चलाने वाले गैंग के नेटवर्क को खंगाल रही है। एकलपुरवा मुड़वल गाँव में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पता लगाया, भंडाफोड़ किया, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे 400 लीटर स्प्रिट, नौसादर, यूरिया और 36 पेटी 31 पेटी अपमिश्रित शराब, पूर्ण रूप से जो नकली शराब होती है वो बरामद की है। ये फैक्ट्री चला रहे थे ये लोग, पिछले 6-7 महीनों से पूछताछ में इन्होंने बताया, 7-8 महीनों से ये चला रहे थे और जैसे ही इसको संज्ञान में हुआ, इसकी पतारसी सुराग रसी करके हमारी स्वाट टीम और नंदगंज पुलिस ने इनको पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है उससे पता चला है कि स्थानीय लोगों में तथा बिहार के लोगों में ज्यादातर ये नकली शराब ये बिहार सप्लाई करने का कार्य करते थे। इनके पास से नकली शीशी, बारकोड, ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करके और इनके जो एसोसिएट्स हैं, अगर कुछ हैं तो उनका भी पता लगाया जा रहा है। इन्होंने और पहले क्या क्या कार्य किए हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। कौन कौन अगर अन्य लोग भी इनके गैंग में सम्मिलित हैं या बिहार में जो लोग सप्लाई करते थे उसका भी पता लगाया जा रहा है। संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, आजीवन कारावास की सजा है उसमें और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने इस कमाई से, इस अवैध कमाई से जो संपत्ति अर्जित की होगी उसको भी कुर्क किया जाएगा। ये एक अच्छा कार्य है जिससे निश्चित रूप से इस नकली शराब से के पीने से इसका जो रेशियो है जैसे गड़बड़ाता है वैसे ही लोगों की जाने चली जाती हैं। इसके लिए हमने अपनी टीम को 5,000 रुपये कैश उनके उत्साहवर्धन के लिए देने की घोषणा की है और हम चाहेंगे कि जनपद में इस प्रकार का एक जो वर्तमान में बुलंदशहर की घटना हुई थी अभियान अनवरत चलता रहे और कहीं भी जो इस प्रकार की शराब की घटनाएं बनाने की अगर कोई फैक्ट्री चल रही होगी तो उसका भंडाफोड़ करेंगे और जनपद गाजीपुर में किसी भी दशा में ना तो नकली शराब का संचरण होने देंगे, न उसका निर्माण होने देंगे और न ही उसकी बिक्री होने देंगे।